नमस्कार, मैं अमृता भारती, उल्लास लाइन बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अभी तक तो पूरे उल्लासनगर शहरवासियों को ये पता चल ही गया होगा कि SVS दरबार के साईं वशन सर दरबार के उल्लासनगर 5 स्थित साईं परमानंद जी और साईं कालीराम जी के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने ओपन वॉयलेशंस किए। इनको पता था कि इनको धर्मस्थल नहीं खोलना है और लोगों की गर्दी जमा नहीं करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने 17 मई को अपना बर्थडे पार्टी किया और उसके बाद भी 22 तारीख को, जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि उमावस रात का सत्संग हुआ, और अभी ये पता चल रहा है कि 24 मई को भी उनके यहाँ किसी शादी का कार्यक्रम था। तो कहने की बात ये है कि जब सभी को सब कुछ पता था और इन VVIPs को, जो इस शहर के ब्रांड एम्बेसडर है, उन्हें सब कुछ पता है, और पता होने के बाद भी उन्होंने ये जानबूझ के कि इंटेंशनल कदम लिया कि उन्हें पता होने के बाद भी कि गर्दी जमा नहीं करनी थी, लोगों को साथ नहीं लेना था, क्योंकि स्टे होम स्टे सेफ का ये मकसद ही यही था कि कोरोना वायरस की चेन टूट सके। लेकिन हमारे VVIP ब्रांड एम्बेसडर काली साई ने वहाँ पर अपने हॉस्पिटल में VA वाशी में बैठे बैठे एक बहुत ही गुमराह करने वाला संदेश दिया, जिससे और जो उनके बर्थडे पार्टी में आए थे उनके हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने टेस्टिंग न करने के उन्होंने अपने आप को एक बहुत ही फ्री बर्ड समझ लिया और उन्होंने इस कोरोना वायरस पैंडेमिक को बहुत ही हल्के में लिया। तो एक ये करीबन 3 दिन की जद्दोजहद के बाद ट्विटर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री तक कंप्लेंट करने के बाद, DGP और CP और हेल्थ मिनिस्टर होम मिनिस्टर तक कंप्लेंट करने के बाद, पर्सनल व्हाट्सएप द्वारा कंप्लेंट करने के बाद, मैंने कलेक्टर साहब को पर्सनल व्हाट्सएप किया, DCP साहब, ACP नराले जी, DCP शेवाले जी, इन सभी को मैंने व्हाट्सएप द्वारा जब पर्सनल कंप्लेंट करने के बाद सारी यथास्थिति समझाई और न्यूज़ चैनल के माध्यम के बाद ये आज जो आपको समझ में आ रहा है कि FIR दर्ज हुई। तो इस FIR दर्ज होने का मकसद भी कोई सीख होनी चाहिए कि जितने ये VVIPs हैं या जो धर्म गुरु हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि आप भगवान नहीं हैं और आप भी उस हर एक कानून के दायरे में आते हैं। सिर्फ आप अपने एक संत का चोला पहन के आप जितनी वॉयलेशंस करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं। और मैं ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इस तरह की आज की तारीख में कम से कम राष्ट्रभक्ति दिखाएं, राष्ट्र गद्दारी न दिखाएं। ऐसे वॉयलेशंस करने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, VVIP हो, ब्रांड एम्बेसडर, आप उसे सपोर्ट न करें। और जितना जिस तरह आप अपने शहर को बचा सके आप बचाएं, क्योंकि खन्ना कंपाउंड एक हॉटस्पॉट बन चुका था, वहाँ से इतना ज़्यादा हमारे ऊपर कोरोना का कहर फैला, किसी तरह उसे जब रोका गया, यानी हमारे उल्लासनगर की पुलिस इतनी स्ट्रिक्ट थी कि मंदिर के, हनुमान मंदिर के एक पुजारी ने आरती करी तो उनका उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई, यहाँ पर बाइक पे 2 जन जाते हैं तो उन पे FIR दर्ज हो जाती है। लेकिन जब इतने बड़े बड़े VVIPs की बात आती है और वो धड़ल्ले से जब धज्जियाँ उड़ाते सारे कानूनों की, और कानून की धज्जियाँ उड़ाने के साथ साथ हजारों लोगों की जानों का खतरा हो जाता है, वो हजारों लोगों की जान के साथ खेलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनके पास बहुत पैसा है, उन्हें जब सब कुछ समझ में आया तो वो शहर छोड़कर चुपचाप रातों रात भाग गए। लेकिन वो वहाँ बैठे हुए अपने दूसरे फॉलोअर्स को संदेश देते हैं, खुद तो प्रशासन को बताते नहीं और इन्हें कहते हैं कि आप प्रशासन को बताइए। तो यानी जो दोहरे मापदंड ये VVIPs ने लिया है, ब्रांड एम्बेसडर काली साई ने लिया, ये बहुत ही निंदनीय है। हिराली फाउंडेशन के इस मैराथन कंप्लेंट 3 दिन के बाद मुझे ज़रूर खुशी हुई है कि आज FIR दर्ज हुई है। मैं DCP शेवाले साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने पर्सनली इस केस में इंटरेस्ट लिया और आज ये FIR दर्ज हुई। ये एक बहुत बड़ा सबक होगा उन सभी कानून की धज्जियाँ उड़ाने वालों के लिए जिन्होंने कोरोना वायरस के इस पैंडेमिक को बहुत ही हल्के में और ईजी लिया। साथ ही साथ मैं वापस ये कहूँगी कि जब तक उन लोगों की CCTV फुटेजेस सार्वजनिक नहीं की जाएंगी तो ये बहुत सारे किंतु परंतु और जो बातें चल रही है वो हमें स्पष्ट नहीं होंगी। इस वीडियो के माध्यम द्वारा मैं जितने भी उस पार्टी में लोग आए थे, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, प्लीज़ फिलहाल आप ये इंतज़ार न करें कि प्रशासन आपके पास आए, आप खुद से आगे आइए और फटाफट इमीडिएटली आप अपनी चेकिंग कराइए, क्योंकि इसी में आपकी भलाई, आपके परिवार की भलाई, आपके पड़ोस की भलाई और आपके शहर की भलाई और इसी तरह स्टेट और राष्ट्र और
विश्व तो ऑफकोर्स है। तो अगर आप आगे नहीं, क्योंकि गलती आपने करी हुई है, गलती हमने तो की नहीं है, हमें तो ये पता भी नहीं है। आज मैं काली साई से भी बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि काली साई प्लीज आप पूरा प्रशासन को लिस्ट दीजिए कि आपके पास कौन कौन आया था, कैसे कैसे आया था, क्योंकि इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जाएगी और दूसरे प्रशासन जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर हर पल हर सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी मासूम को कोरोना अटैक हो रहा होगा। बाबतीत आम्हाला जे प्रकरण प्रसार माध्यमातूनच आम्हाला कळले, तर आमचे त्वरित डॉक्टरची टीम आणि वॉर्ड ऑफिसरने तिकडे धाव घेऊन तिथे त्यांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांची तपासणी केली, तर त्यात जवळपास हाय रिस्क 22 सापडलेले आहेत आणि लो रिस्क 41, तर इतर पण आमचं शोध कार्य चालू आहे। या प्रकरणी जे काही दोषी आहेत तर त्यांच्या विरुद्ध नक्की जे प्रशासनाच्या दृष्टीने जे काही कारवाई करता येईल ते आम्ही नक्कीच करू। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।